हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे, जहां पर हम आपको सॉल्व कराते हैं प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन। और उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आइए, आज ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 91। और इससे पहले हम आपको 90 क्वेश्चन करवा चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 91 में देखेंगे क्या दे रखा है। टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो टर्नर सिंड्रोम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है दोस्तों, तो टर्नर सिंड्रोम होता है, तो ह्यूमन बींग से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। तो टर्नर सिंड्रोम अगर हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 44 प्लस यहाँ पे क्या होता है, एक्स होता है। यानी कि ये मोस्टली किस में देखने को मिल जाता है, ये मोस्टली जो है फीमेल्स में देखने को मिल जाता है। टर्नर सिंड्रोम्स क्या होता है, इसमें जो है मोनोसोमिक के कारण होता है, यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम की डिफिशेंसी हो जाती है यहाँ पे, तो ये टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे इस चीज़ में क्या होगा, देख लेंगे इसमें कौन सा आंसर इसका सही आंसर होगा, देखेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे इसके चारों आंसर को, देख लेंगे एक्स वाई वाई, एक्स 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 हो गया, एक्स जीरो इसको पढ़ेंगे वो नहीं होगा, ये एक्स जीरो, एक्स 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 4 टाइम। यानी कि तो इसका अगर बात करें तो किसमें एक क्रोमोसोम कम है, तो इसमें जो है नॉर्मल 46 होने चाहिए, तो यहाँ पे कितने, 45 क्रोमोसोम्स। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा और इसको हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, तो टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें होता है क्या है, ये सिंड्रोम मोस्टली किस में होता है, फीमेल्स में होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कि जो है गुणसूत्र जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, कमी होने के कारण होता है, इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है। और ये जो क्या होता है इसमें, इसमें अल्प विकसित जो है सेकेंडरी करेक्टर्स जो होते हैं फीमेल से अल्प विकसित होते हैं, यानी कि अनडेवलप्ड कह सकते हैं उनको, ये जो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, टर्नर सिंड्रोम। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिखाई दे रहा है, एल कैप्टिन यूरिया इज बिकेम्स ऑफ की बात करें तो ये एक कह सकते हो अनुवांशिक बीमारी है, या फिर हेरिडेटरी डिसीज है ये कह सकते हो। तो ये 1902 में किसने डिस्कवर किया था, गैरोड ने इसको डिस्कवर किया था, किसने किया था, गैरोड ने डिस्कवर किया था। इसमें होता क्या है कि जो है एक कह सकते हो एंजाइम की वजह से ये डिसीज होती है, वो एंजाइम का फार्मेशन नहीं हो पाता है, उस एंजाइम का क्या नाम है, ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज ना बनने के कारण जो एसिड होती है, एसिड का एक ब्रेकडाउन ना होने के कारण क्या होता है, वो जो है यहाँ पे क्या हो जाता है कि यूरिया में जो है उस जो एसिड का अधिकता होने के कारण जो वो यूरिया जो है एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऐसा हो जाता है, नीला सा दिखने लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर क्या, ऑक्सीडेज एंजाइम हमारा है जो कि ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और ये किसकी वजह से नहीं बनता है, डोमिनेंट जीन की वजह से बनता है, यहाँ पे रिसेसिव जीन हो जाते हैं, इसकी वजह से ये जो है ऑक्सीडेज नामक एंजाइम नहीं बनता है, ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनता तो ब्रेकडाउन नहीं होता है एसिड का, और एसिड का जो ब्रेकडाउन ना होने के कारण क्या होता है, एल कैप्टन यूरिया डिसीज लोगों में देखने को मिल जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, और ये क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि 93 है ये। ठीक है, इसको देख लेंगे। तो जीन थेरेपी इंक्लूड, जीन थेरेपी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो देखेंगे क्योरिंग जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज का ध्यान रखना, रिमूविंग डिफेक्टिव जीन, डिफेक्टिव जीन को जो है क्या करना, रिमूव करना, रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन विथ नॉर्मल जीन, नॉर्मल जीन्स के साथ में डिफेक्टिव जीन को रिमूव करके नॉर्मल जीन को प्लेस कर देना उसके स्थान पे, या फिर आलाप अभिभाव। तो अगर हम अगर जीन थेरेपी में ये सारे वर्क होते हैं, तो इसके सही आंसर की अगर बात करेंगे, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यानी कि ए बी सी तीनों सही, यानी कि ऑल ऑफ एबव इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 94, क्वेश्चन नंबर 94 में आपको देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 94 हमारा जो है क्वेश्चन नंबर दे रखा है, द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड मैमल्स, जो वर्ल्ड का सबसे पहला क्लोन मैमल्स जो बना था वो क्या था, उसके बारे में बताया गया है।
तो यहाँ पे सभी लगभग दोस्त हमारे जानते होंगे डॉली। डॉली क्या था, एक एक भेड़ थी जो कि सबसे पहले जो है एक क्लोन मैमल्स के रूप में बनाया गया था। तो इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे हमारे कौन से, डॉक्टर विलमुट और चैंपबेल। ये कहाँ के दोनों साइंटिस्ट थे, बिलमुल एंड चैंपबेल। चैंपबेल ये कहाँ थे, स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है इसको बनाया था और डॉली। और इसी के साथ डॉली के साथ साथ में पाली और माली भी दो ट्रांसजेनिक क्या थी, भेड़े बनाई गई थी। और अगर बात करें इसकी जो है, ये क्या था, मादा भेड़ थी, जिस जो मादा भेड़ थी ये डॉली नाम की, ठीक है। और 14 फरवरी 2003 में फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। कब इसकी मृत्यु हो गई थी, 14 फरवरी, याद ही रहेगा आप लोगों को दोस्तों, 14 फरवरी 2003 में इसमें इन्फेक्शन हो गया था इसके फेफड़े में, उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। तो ये सबसे पहले फर्स्ट क्या है, तो वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन मैमल्स है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉली हो जाएगी, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 95 दे रखा है। 95 में अगर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो 95 में क्या दे रखा है देखेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 95 है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन द एंजियोस्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, बताया गया है, कह सकते हो यहाँ पे, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन द एंजियोस्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि निर्माण के दौरान एंजियोस्पर्म में स्वतंत्र नाभिकीय विभाग बनता है। तो इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या बनता है, इंडोस्पर्म, इसे हम बोलते हैं इंडोस्पर्म बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडोस्पर्म हो जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 96। और क्वेश्चन नंबर 96 में देखेंगे क्या दे रखा है, पालन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम, पालन ट्यूब की अगर बात करेंगे, पालन ट्यूब कहाँ से बनता है, पालन ट्यूब की अगर बनने की बात करेंगे तो पालन ट्यूब हमारा कहाँ से बनता है, इंटाइन से बनता है। इंटाइन जो होता है हमारा इंटरनल पोर्शन होता है जो है, वहीं से बनता है ये, कहाँ से, पालन ट्यूब जो फार्म होता है इंटाइन से होता है, पालन वाल से नहीं बनता है, ना एग्जाइन से बनता है, ना नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से इनकी बात करेंगे तो मेन जो इसका सही आंसर का पालन ट्यूब को याद रखेंगे दोस्तों। पालन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, इंटाइन जिम्मेदार होता है, यानी कि इंटाइन के द्वारा ही वो जो है इसमें क्या होता है बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 97 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 97 में देखेंगे क्या दे रखा है, द टाइलोसेस आर प्रेजेंट, टाइलोसेस प्रेजेंट की, टाइलोसेस किस में पाया जाता है, तो टाइलोसेस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देख लेंगे क्या क्या दे रखा है, प्राइमरी जाइलम दे रखा है, फ्लोएम दे रखा है, सेकेंडरी जाइलम दे रखा है, पिथ सेल्स दे रखा है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी किसकी, टाइलोसेस की, टाइलोसेस आर प्रेजेंट इन, तो मोस्टली टाइलोसेस जो हमारा होता है किस में पाया जाता है, सेकेंडरी जाइलम में पाया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी किसी नंबर हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम दोस्तों हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 98 दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम बात करेंगे तो दे रखा है होम्योथर्मल एनिमल्स, होम्योथर्मल एनिमल्स की बात करेंगे, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक समान रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, होम्योथर्मल एनिमल्स कहते हैं। तो उनको कैटेगरी वाइज दे रखा है, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी ऐसी है होम्योथर्मल एनिमल्स की कैटेगरी में, देखेंगे फ्रॉग, लायन, फिश, ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करें बी की, बैट, पिजन, रैट, हाँ ये हो जाएगा, पिजन, लिजार्ड, टर्टल ये भी नहीं होगा, रैबिट, स्नैक एंड क्रोकोडाइल ये भी नहीं होगा। तो अगर सही आंसर की अगर इसकी बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यानी कि बी नंबर, बैट, बैट, पिजन और रैट, ये क्या हैं सारे के सारे, ये मैमस ऐसे हैं ऐसे कि होम्योथर्मल है, होम्योथर्मल, ये सारे आंसर हो जाएंगे क्या इसमें, होम्योथर्मल हो जाएगा। तो ये हो गया होम्योथर्मल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 है। और क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे, ईच सार्कोमियर एक्सटेंड फ्रॉम, तो अगर सार्कोमियर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का पोर्शन होता है तो सार्कोमियर कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड करता है, तो दोस्तों अगर सार्कोमियर एक्सपेंड फैलने की बात करेंगे या एक्सपेंडेशन की बात करेंगे तो ये सार्कोमियर हमारा कहाँ पे फैलता है,
तो सार्कोमियर की बात करेंगे तो जेड टू जेड लाइन, दो जेड लाइन होती है, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच में ये फैलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा, यानी कि जेड टू जेड लाइन आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया इसका सही आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 जो दे रखा है, क्या दे रखा है, द केमिकल विच रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। केमिकल जो ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करते हैं, जान लेंगे इसमें कौन कौन सा होता है। IBA एक होता है, IBA होता है दोस्तों, IBA के साथ दूसरा क्या होता है, IAA होता है, और इसके साथ एक और होता है PMA दोस्तों, एक तीसरा भी होता है PMA होता है। तो तीन होते हैं, तो तीनों में से इसमें कौन सा दे रखा, IAA, यानी कि इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, IAA। IAA के मतलब क्या होता है, आयोडाल एसिटिक एसिड, आयोडाल एसिटिक एसिड हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा 101 दे रखा है। 101 को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ड्यू टू ओवर वाटरिंग ऑफ प्लांट्स द टॉप सॉयल लूज मिनरल्स यूट्रिएंट्स, सॉरी न्यूट्रिएंट्स दोस्तों। तो क्या दे रखा है कि अगर मान लो कोई कह तो लैंड है, लैंड पे पानी भर जाता है, लैंड पे पानी भरने के कारण क्या होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखने को क्या मिलेगा, पौधों को अत्यधिक पानी डालने के कारण ऊपरी मृदा मिनरल पौष्टिकता खो देती है। तो ये देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, स्मेरिंग हो जाएगा, या फिर वेदरिंग हो जाएगा, फिर या फिर लीचिंग हो जाएगा, फिर या फिर ग्रेविटेशनल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो ये इसमें क्या होता है, वेदरिंग होती है इसमें, ऐसा अगर कंडीशन होती है तो इसमें वेदरिंग प्रोसेस होगी, वेदरिंग हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 102 दे रखा है। तो दे रखा है, पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द ज्योमेट्रिक रेशियो वाइल फूड सप्लाई इंक्रीज इन एरिथमेटिक रेशियो टू अकॉर्डिंग टू। तो इसको थोड़ा दोस्तों समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ज्योमेट्रिक रेशियो क्या होता है, अगर हम आपको दोस्तों ज्योमेट्रिक रेशियो समझाने की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे कि पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट कैसा होता है ज्योमेट्रिक रेशियो में होता है। तो अगर ज्योमेट्रिक रेशियो यानी कि टू होगा, टू से क्या होगा, फोर होगा, फोर से क्या होगा, एट होगा, एट से 16 होगा, 16 से 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं 32 हो जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कैसा है, रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अरिथमेटिक रिप्रेजेंटेशन की, तो अरिथमेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, उसमें होगा 1 2 3 4 डैश डैश, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा कैसा होता है, अरिथमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन ये, पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक रेशियो वाइल द फूड सप्लाई इंक्रीज इन अरिथमेटिक रेशियो इज अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग ये काम होता। तो ये अगर बात करें किसको इसने बताया था, तो माल्थस, हमारे जो साइंस था माल्थस ने बताया था ये सारी चीज़ें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, 103 नंबर पे, 103 नंबर पे दे रखा, मोस्ट एक्टिव इनग्रेडियंट ऑफ मैरिजुआना इज, मैरिजुआना के सबसे सक्रिय घटक कौन कौन से हैं। तो मैरिजुआना, अगर मैरिजुआना की बात करेंगे तो मैरिजुआना के सबसे सक्रिय घटक कौन कौन से हैं, तो मैरिजुआना के सबसे सक्रिय घटक जो होते हैं THC, THC होता है, THC का फुल फॉर्म भी जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर THC का फुल फॉर्म क्या होता है, टेट्रा हाइड्रो कम्बेनियल, टेट्रा हाइड्रो कम्बेनियल, टेट्रा हाइड्रो कम्बेनियल। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा हाइड्रो कम्बेनियल, टेट्रा हाइड्रो कम्बेनियल हो जाए। तो इसका टेट्रा हाइड्रो यहाँ पे दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। तो इसको याद रखें कि इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा, टेट्राहाइड्रो हो जाएगा यहाँ पे, टेट्राहाइड्रो यानी कि बी नंबर हो गया ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 104, 104 की बात करेंगे तो 104 में क्या दे रखा है, विच केमिकल इज यूज फॉर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स, टू सेल्स के फ्यूजन में कौन सा केमिकल
हम यूज करते हैं। तो अगर टू केमिकल के फ्यूजन की अगर हम बात करेंगे तो टू केमिकल के फ्यूजन में पीईजी पेज यानी कि क्या होता है, पेज का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीएथिलीन ग्लिसराल का यूज करते हैं। आंसर क्या हो जाए, दो केमिकल जो साइटोप्लाज्म के फ्यूजन में क्या पाली क्या यूज करेंगे, पॉलीएथिलीन ग्लिस ग्लाई क्या दे रखा है, ग्लिस ग्लाइकॉल, सॉरी पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा, तो इसमें यूज करते हैं क्या, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 105 दे रखा, ओनियन कैम्स फ्रॉम विच कंट्री, ओनियन किस कंट्री से, ओनियन की ओरिजिन का इस प्लेस पूछा गया है। तो ओनियन की ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे तो ओनियन ओरिजिन की प्लेस प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो ओनियन हमारा कहाँ से ओरिजिन प्लेस है, इसका चाइना। यहाँ पे किसके लिए जानेंगे, ओनियन की ओरिजिन की, यानी कि ओनियन कम्स फ्रॉम विच कंट्री, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, चाइना। तो चाइना से ही ये आया था हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये चाइना के साथ साथ में और कहाँ होता है, मध्य एशिया में भी इसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आइए चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है 106, तो 106 में क्या दे रखा है, नेग्री इज ब्रीड ऑफ काउ कम्स अंडर विच कैटेगरीज, तो नगेरी नामक गाय का नस्ल किस श्रेणी में आता है। तो नगेरी नामक गाय की श्रेणी की नस्ल की श्रेणी की बात करेंगे तो नगेली किस में आएगा, तो नगेली की अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों तो नगेली हमारा किस में आएगा, तो नगेली हमारी जो है सी नंबर में हो जाएगी। सी नंबर की क्या हो जाएगी, ड्राट ब्रीड्स, ड्राट ब्रीड्स का मतलब मसूदा नस्ल, मसूदा नस्ल होती है हमारी ये गाय की, तो इसमें आ जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन 107 की अगर हम बात करेंगे तो दे रखा है बेसिलस बेसिलस सब टिल्स टिल्स फार्म्स हाउ मैनी एंटीबायोटिक, दैट मीन्स बैसिलस सफ्टिल्स फॉर्म्स हाउ मैनी एंटीबायोटिक्स, यानी कि बैसिलस सफ्टिल्स से कितने एंटीबायोटिक्स बनाए जा चुके हैं अभी तक दोस्त। बैसिलस सफ्टिल्स से अभी तक 60 एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 108 108 की बात करेंगे तो 108 में दे रखा है, व्हाट वाज द प्रोडक्ट ऑफ एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी, तो एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी में सोमा एल्कोहल सूरा, तो अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एल्कोहल, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा एल्कोहल, तो इसका बी नंबर हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे 109 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 दे रखा है, लिम्फ नोड आर टू फाइट अगेंस्ट, लिम्फ नोड किसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं, तो लिम्फ नोड्स किसके अगेंस्ट वो वर्क करते हैं, तो जर्म्स के अगेंस्ट में लिम्फ नोड्स वर्क करते हैं, डब्ल्यूबीसी के वर्क अगेंस्ट करते हैं नहीं करते, आरबीसी के अगेंस्ट करते हैं नहीं करते, लिम्फ के अगेंस्ट करते हैं नहीं करते, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्म्स, तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 110 की बात करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है, ए ह्यूमन ओवम कंटेंस, एक ह्यूमन ओवम में क्या पाया जाता है, तो हम देखेंगे एक ह्यूमन ओवम में क्या देखने को मिल जाएगा, ह्यूमन ओवम जो हमारा होता है उसमें मोस्टली आपको देखने को क्या मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा क्या, वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ह्यूमन ओवम में एक्स, इसमें चारों में आंसर पहले देख लेंगे क्या होगा, अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वाई वाई क्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम, या फिर वन एक्स क्रोमोसोम होगा और एक दूसरा क्या होता है वाई क्रोमोसोम, तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वन नंबर डी हो जाएगा, वन एक्स क्रोमोसोम। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इसके बाद भी हमारे इस भी जो पेपर हमारा चल रहा है केंद्रीय विद्यालय प्रवेश